शहर में बुधवार को महिलाओं के गले से चैन छीनने की 3 वारदातें सामने आई, वह भी सिर्फ 25 मिनट के अंदर। पहली वारदात दोपहर 3:05 पर सामने आई, दूसरी वारदात 3:15 पर और तीसरी वारदात 3:35 पर की गई। काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने कोतवाली थाना क्षेत्र में इन 3 वारदातों को अंजाम दिया। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए मुख्य पॉइंटों पर नाकेबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। कोतवाली थाना अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला के सामने गुलाब बाग क्षेत्र में बुधवार को पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों ने एक महिला के गले से सोने की चैन छीन ली और वहीं मौके पर बाइक सवारों द्वारा विरोध करने पर एक युवक को धक्का देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर कोतवाल राजवीर सिंह चंपावत में जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पीड़िता के पति कठुमर निवासी सुनील खंडेलवाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी संध्या खंडेलवाल और अन्य रिश्तेदारों के साथ कठुमर से अपनी रिश्तेदारी में तीये की बैठक में शामिल होने आए थे। अग्रवाल धर्मशाला के सामने गुलाब बाग में कार पार्क करके जैसे ही वह पैदल जाने लगे तो पीछे से 2 बाइक सवार आए और उसकी पत्नी संध्या खंडेलवाल के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन लॉकेट छीनकर निकल गए। जैसे ही पत्नी ने शोर मचाया तो बाइक सवारों ने एक युवक को धक्का मारा और फरार हो गए। हम कठुमर से आ रहे थे, यहाँ पे महावीर ढाबे के यहाँ पे हमने कार खड़ी करी और जो गुलाब बाग में बाइक चढ़ाई कर ही रहे थे, हम पहुँच रहे थे, मोटरसाइकिल पर 2 जने आए और मेरी पत्नी की वो मंगलसूत्र खींच के और ले गए, उसको धक्का भी दिया पर वो रुके नहीं, वो और जब पीछा करा था वो एक लड़के ने धक्का दिया था।